हिमाचल में मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है, ये बात आप जानते होंगे, आपको मालूम होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि मस्जिद की जो अवैध मंजिलें हैं वो अब गिराने का आदेश दे दिया गया है, वो भी 30 दिनों के अंदर ही जो अवैध मंजिलें हैं वो गिरा दी जाएंगी। स्थानीय लोग पिछले 15 दिनों से लेकर के इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और ये मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि विवाद बहुत जल्द सुलझ जाएगा, तो इस मामले में क्या कुछ अपडेट आया है आइए आपको वो बताते हैं। हिमाचल के मंडी शहर में मस्जिद की 2 अवैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी होगी। नगर निगम आयुक्त HS राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को ये फैसला सुनाया। 30 साल पुरानी 3 मंजिला ये मस्जिद शहर के जेल रोड पर है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थी, अब इन्हें तोड़ा जाएगा। वहीं नगर निगम आयुक्त कोर्ट में जिस वक्त मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी, तब हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ तक किया। उधर शिमला की 5 मंजिला संजौली मस्जिद को लेकर के भी विवाद बना हुआ है। आरोप है कि मस्जिद की 3 मंजिल जो है वो अवैध है। इसके खिलाफ यहाँ भी स्थानीय लोग पिछले 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। मंडी के DC अपूर्व देवगन ने कहा कि जेल रोड पर बनी मस्जिद मामले में MC आयुक्त कोर्ट का फैसला आया है। मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। जो अवैध निर्माण हुआ है कुछ इन्होंने खुद हटा दिया है। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मंडी में अवैध निर्माण की बात सामने आई है, मस्जिद विवाद को लेकर कमेटी बनेगी और ये शांति प्रिय राज्य है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, किसी भी धर्म और जाति को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। हमारी सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी, अवैध निर्माण स्वीकार्य नहीं है, लेकिन अवैध निर्माण को लेकर के भी कानून के दायरे में कार्रवाई होगी। शिमला की 5 मंजिला संजौली मस्जिद को लेकर के भी विवाद बना हुआ है। आरोप है कि मस्जिद की 3 मंजिल अवैध है। इसके खिलाफ यहाँ भी स्थानीय लोग पिछले 15 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज के विरोध में व्यापार मंडल ने गुरुवार को शहर की सभी दुकानें बंद रखी। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने 14 सितंबर को बंद का आह्वान किया है और सभी व्यापारियों से 2 घंटे के लिए दुकानें बंद रखने की अपील की। तो हिमाचल के मंडी में जो मस्जिद बनी हुई थी उसको लेकर के जो विवाद गहराता जा रहा था, अब उसकी जो अवैध मंजिलें हैं वो गिरा दी जाएंगी। तो हिमाचल में मस्जिद को लेकर के जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री ने भी अब संज्ञान लिया है और कानूनी तरीके से ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना ना भूलें।